आपने कहा कि आखिरी पिछली सरकार की आखिरी कैबिनेट में एनटीटी भर्ती की बात की। मैं समझता हूँ पिछली सरकार अगर करना चाहती तो पहली कैबिनेट में करती तो ज्यादा अच्छा होता। आखिरी में किया है, जाते जाते एक लॉलीपॉप शायद थमाने की बात करी होगी, लेकिन हम लोग इसके ऊपर देख रहे हैं और जल्द माननीय मंत्री जी इसके ऊपर और मुख्यमंत्री जी इसके ऊपर फैसला लेंगे। दूसरा, आपने कहा जेओए की जो भर्ती की बात है उसका मामला सुप्रीम कोर्ट में है, 16 तारीख को उसकी पेशी है, तो जो वहाँ से आदेश वहाँ से आते हैं उसके ऊपर सब कुछ निर्भर करेगा। और मैं समझता हूँ यहाँ पर ये जो शिक्षा का हमारा विभाग है, चाहे उच्च शिक्षा का है चाहे एलिमेंट्री का है, तो इन दोनों को बहुत इसमें काम करने की बहुत आवश्यकता है। और किस तरह से हम अपने यहाँ पे बच्चे जितने भी हमारे स्कूलों में जाते हैं किस तरह की शिक्षा हम लोग उनको करें ताकि आगे चलकर उनको किसी के ऊपर निर्भर होने की जरूरत ना हो और आत्मनिर्भर बनकर या अपने अपने आप खुद रोजगार के अवसर चुनकर वो आगे बढ़े, चाहे स्किल डेवलपमेंट की बात हो चाहे किसी और क्षेत्र की बात हो। तो मैं समझता हूँ ये शिक्षा उस लाइंस पे दी जाएगी और उसके ऊपर हम लोग काम करें। शिक्षा विभाग की एक रिव्यू मीटिंग है, साथ में ही उन्होंने एक उसके ऊपर जो आगे कार्य करना है उसकी भी बात हम लोगों ने उसमें करनी है। तो मुझे लगता है ये उत्तर उसके बाद देना बेहतर होगा। तो जैसे ही ये मीटिंग हो जाती है उसके बाद सारा खुलासा आपके सामने। मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहला कदम जो हमारी सरकार ने किया है वो एक ऐसा भर्तियों का जो जो धांधली होती थी उसका पर्दाफाश कर कर एक बहुत ही ऐतिहासिक कदम उठाया है। और मैं समझता हूँ कि बच्चों के और नौजवानों के जो जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा था, उनके रोजगार के अवसर छीने जा रहे थे, उसके प्रति हम लोगों ने एक बहुत अच्छा कदम यहाँ पर लिया है। ये जरूरी है, मैं मानता हूँ इस चीज को कि जल्द से जल्द भर्तियां भी होनी है और इसको वो हो, लेकिन ये माननीय मुख्यमंत्री जी के वहां से ज्यादा बेहतर वो लोग। देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी ये बात कही है और इसके इसकी वायबिलिटी को भी देखा जा रहा है और इसके किस तरह से मतलब ये ज्यादा हमें बेनिफिशियल है नहीं है वो भी बात सामने रखी जाएगी। और एक बार उसकी रिपोर्ट सामने आ जाए तो अगर ठीक होगा तो पूरे हिमाचल प्रदेश में किया जाए। एक शहर को शहर की दृष्टि से अब हमें देखना पड़ेगा और इसको इसमें जो भी मापदंड एक शहर के होते हैं उनको पूरा करना हमारा फर्ज है और जल्द से जल्द इसको हम करने भी वाले हैं। चाहे वो सीवरेज की स्कीम्स हो, पालमपुर मेन टाउन में कुछ एरिया में थी लेकिन जो आसपास के इलाके हैं उनमें नहीं थी, चाहे वो पानी की पीने के पानी की स्कीम्स हो, चाहे इलेक्ट्रिफिकेशन की स्कीम्स हो, चाहे ब्यूटिफिकेशन की स्कीम्स हो, पार्किंग्स की स्कीम्स हो, वो बहुत जल्द आप लोगों के सबके सामने आएंगी। मैं अभी फिलहाल इतना ही कहना चाहूंगा। इस बार 26 जनवरी होगी कुछ खास। आपकी मनपसंद ऑल्टो के साथ गोयल मोटर्स लेकर आई है 26 जनवरी स्पेशल ऑफर, ऑल्टो 100% ऑन रोड फाइनेंस के साथ, अभी नहीं तो कभी नहीं। उच्चतम माइलेज व न्यूनतम मेंटेनेंस खर्च, अभी खरीदने के लाभ, 2022 के मॉडल पर उच्चतम ऑफर्स, आपकी पुरानी कार का सबसे बेहतरीन दाम, कीमतें बढ़ने से पहले खरीद पर भारी बचत का लाभ, तो अभी कॉल कीजिए टोल फ्री नंबर 1800180072 पर।